हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूंगा मेरे माइक खराब हो जाने की वजह से इस वीडियो के इतना डिले के लिए। तो आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मार्वल यूनिवर्स और उसके मल्टीवर्स के गॉड के बारे में, यानी द वन अबव ऑल के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। तो चलिए अब बिना किसी इंतजार स्टार्ट करते हैं। हम द वन अबव ऑल के बारे में बाकी कैरेक्टर्स की तरह उसके ओरिजिन को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली वो मार्वल मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट गॉड है और साथ ही मार्वल कॉमिक्स में कहीं भी उसके ओरिजिन को मेंशन नहीं किया गया है और ना ही उसकी खुद की कोई सेपरेट कॉमिक बुक आज तक मार्वल ने रिलीज की है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है द वन अबव ऑल की, वो सभी उसकी कुछ कॉमिक्स में अपीयरेंसेस और मेंशनिंग से ही है। और इन अपीयरेंसेस और मेंशनिंग को भी अगर हम गिने तो इनका टोटल भी 18 से 19 बार ही है, जो कि बहुत ही छोटे नंबर हैं अगर हम मार्वल के दूसरे कैरेक्टर्स से कंपेयर करें तो। अब हम इनमें से ही कुछ इम्पोर्टेंट और जरूरी मेंशनिंग्स और अपीयरेंसेस को ही डिस्कस करेंगे, ताकि हमें द वन अबव ऑल की हिस्ट्री के बारे में सही से कुछ अंदाजा हो सके। द वन अबव ऑल को सबसे पहले मेंशन किया गया था राइटर स्टीव इंगलहार्ट की डॉक्टर स्ट्रेंज वॉल्यूम 2 इशू नंबर 13 में। इस इशू में इटर्निटी से जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूछा कि क्या तुम गॉड हो, तो इटर्निटी ने उसे जवाब दिया कि वो सिर्फ एक वर्जन है खुद का, जो कि सिर्फ इस यूनिवर्स और रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और बाकी मल्टीवर्स में उसके जैसे दूसरे इटर्निटी भी हैं, मगर गॉड सिर्फ एक है और वो सभी रियलिटीज और पूरे मल्टीवर्स पर राज करता है। पर इटर्निटी ने इस समय द वन अबव ऑल को सिर्फ गॉड कह के ही रिफर किया था, ना कि किसी स्पेसिफिक नाम से। और अब हम चलते हैं 90s की इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन की तरफ, जहां हम देखते हैं कि लिविंग ट्राइब्यूनल के सामने एडम वॉरलॉक का ट्रायल चल रहा है और यहां लिविंग ट्राइब्यूनल एडम वॉरलॉक और वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को बताता है कि हम सबसे भी पावरफुल कोई है जिसने इस मल्टीवर्स और इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है और वो हम सभी पर राज करता है और उसका नाम है द वन अबव ऑल। और इसी के बाद से मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर या कहें मार्वल के गॉड को बाकी कॉमिक्स में भी द वन अबव ऑल के नाम से रिफर किया जाने लगा। ये तो थी कुछ मेंशनिंग्स द वन अबव ऑल की। अब हम कुछ ऐसी कॉमिक्स की तरफ चलते हैं जहां द वन अबव ऑल सच में एज अ कैरेक्टर अपीयर हुआ था। इसके लिए हम पहले बात करेंगे राइटर मार्क वेड की फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 इशू नंबर 511 की। इस स्टोरी लाइन को बहुत से कॉमिक थ्योरिस्ट ट्रू रिप्रेजेंटेशन मानते हैं द वन अबव ऑल का। इस कॉमिक्स में हम देखते हैं कि बेन ग्रिम मर गया है और उसे हेवन से वापस लाने के लिए फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स जैसे सूजन स्टॉर्म, रीड रिचर्ड्स और जॉनी स्टॉर्म गॉड्स डोमेन में, यानी द वन अबव ऑल के डोमेन में जाते हैं, जहां उन्हें बेन ग्रिम मिल जाता है। पर वो उन्हें कहता है कि वो ऐसे यहां से नहीं जा सकता, पहले उसे दोबारा जिंदा होना पड़ेगा और ये सिर्फ गॉड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें गॉड्स डोमेन के सभी दरवाजों को खोलना होगा, क्योंकि इन्हीं किसी एक दरवाजे के पीछे गॉड रहते हैं। सारे दरवाजे खोलने के बाद आखिरी में बचे दरवाजे को जब वो लोग खोलते हैं तो अंदर उन्हें मिलते हैं जैक कर्बी सर, जो कि उस रूम में बैठकर स्केच बना रहे होते हैं। जैक कर्बी सर ने ही रियल में फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर एसेट्रा जैसे कॉमिक्स कैरेक्टर को ड्रॉ किया है। आगे इस स्टोरी लाइन में हम देखते हैं कि जैक कर्बी सर रीड रिचर्ड से बात करते हुए उसे बताते हैं कि इस यूनिवर्स को उन्होंने अकेले नहीं बनाया है और उनका एक पार्टनर भी है जिसने उनकी मदद की है। बहुत से कॉमिक थ्योरिस्ट मानते हैं कि जैक कर्बी सर यहाँ एज अ पार्टनर स्टैनली सर की बात कर रहे हैं और दोनों एक ही कॉइन के दो अलग अलग साइड्स हैं, मतलब दोनों ही द वन अबव ऑल के अलग अलग चेहरे हैं और दोनों ही द वन अबव ऑल हैं। फिर स्टोरी में हम देखते हैं कि जैक कर्बी सर रीड रिचर्ड्स का खराब हुआ चेहरा अपनी पेंसिल से ठीक कर देते हैं, साथ ही वो बेन ग्रिम को भी दोबारा उसकी पावर्स लौटा के उसे जिंदा कर देते हैं, ताकि वो अपने बाकी साथियों के साथ वापस जा सके। मगर फिर भी इस कॉमिक्स के राइटर मार्क वेड का कहना है कि उन्होंने जैक कर्बी सर को एज अ गॉड सिर्फ उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए रिफर किया था और उन्हें द वन अबव ऑल मानना फैंस और रीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है और जरूरी नहीं दोनों चीजें एक ही हैं। अब हम चलते हैं द वन अबव ऑल के सबसे पॉपुलर अपीयरेंस की तरफ और इसके लिए हम बात करेंगे
2006 की सेंसेशनल स्पाइडरमैन इशू 40 की। इस कॉमिक बुक स्टोरी लाइन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है और सबको पता चल गया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और इस वजह से पीटर पार्कर को उसके दुश्मन मारने की कोशिश करते हैं, मगर इन सब में आंट मे को गोली लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि पीटर पार्कर डिप्रेशन में चला जाता है और स्पाइडरमैन ना बनने की सोचता है, और साथ ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की गलती पे गुस्से में वो एक डंपस्टर पे जोर से मारता है, मगर तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आके उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि डंपस्टर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और पीटर पार्कर हैरान हो जाता है कि उसके स्पाइडी सेंस को ट्रिगर किए बिना उसके पीछे कैसे कोई आ गया, और वो उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, मगर वो बूढ़ा आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, बस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और साथ ही वो पीटर पार्कर के इंजर्ड हाथ को भी ठीक कर देता है। ये देखकर पीटर घबरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो बूढ़ा आदमी पीटर से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, और अपनी आइडेंटिटी वो पीटर के सामने रिवील करता है, और पीटर को पता चलता है कि वो बूढ़ा द वन अबव ऑल है। आगे हम देखते हैं कि द वन अबव ऑल पीटर को उसके साथ चल के कुछ खाने के लिए इनवाइट करता है, और बातों बातों में वो पीटर को एनकरेज करता है कि उसे स्पाइडरमैन बनना नहीं छोड़ना चाहिए और उसको पावर्स किसी वजह से मिली हैं, और जो भी हो रहा है आंट मे के साथ वो एक बड़े प्लान का हिस्सा है। इसके बाद दोनों पीटर की लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, और लास्ट में जाने से पहले द वन अबव ऑल पीटर से कहता है कि कभी उम्मीद मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा, हैव फेथ, और इसके बाद वो गायब हो जाता है। अब इस कॉमिक्स के बाद हमने द वन अबव ऑल को मार्वल की सीक्रेट वॉर्स के बाद की जिम स्टार्लिन की इन्फिनिटी फिनाले सीरीज में देखा, जहां वो थैनोस और एडम वॉरलॉक से इंटरेक्ट कर रहा होता है, और यहां एडम वॉरलॉक और थैनोस द वन अबव ऑल को अबव ऑल दी अदर्स कह के रेफर कर रहे होते हैं, और सीक्रेट वॉर्स में ओरिजिनल लिविंग ट्राइबनल के मर जाने की वजह से थैनोस द वन अबव ऑल से एडम वॉरलॉक को नया लिविंग ट्राइबनल बनाने को कहता है, और कुछ डिस्कशंस के बाद द वन अबव ऑल एडम वॉरलॉक को नया लिविंग ट्राइबनल बनाने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों को लिविंग ट्राइबनल के रियल में भेज देता है। तो यहाँ ख़त्म होते हैं द वन अबव ऑल के सारे इंपॉर्टेंट अपेयरेंसेज, और इससे ज़्यादा तो द वन अबव ऑल की हिस्ट्री के बारे में मुझे भी सही से नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉमिक्स में मौजूद नहीं है, और जितनी थी मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। पर बेसिक चीज़ यही है कि द वन अबव ऑल मार्वल यूनिवर्स और उसके मल्टीवर्स का क्रिएटर और गॉड है, और ये चीज़ उसे मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।